रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर दून अस्पताल देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मेडिकल स्टाफ की महिला कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रक्षा सूत्र बांधा। वही रक्षा सूत्र बंधवाकर स्वास्थ्य सचिव ने उनकी रक्षा का वचन भी दिया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज राखी का पर्व यहाँ पे सचिव साहब के साथ मनाया, तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से भी है कि कलकत्ता में जो भी हुआ तो उसको देखते हुए तो सब लोगों में बहुत भय का माहौल था, तो वो उसको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो और सचिव साहब का जो आश्वासन कि जो जो मांगे रेजिडेंट्स ने रखी हैं और महिला कर्मचारियों ने जो रखी हैं कि उन सब पे वो ठोस कदम उठाएंगे, और जैसे सबकी मांगे कि पुलिस चौकी यहाँ इमरजेंसी में आ जानी चाहिए और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें एक मेल गार्ड और एक फीमेल गार्ड राउंड द क्लॉक रहे, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। सीसीटीवी लगाने के लिए भी उन्होंने आश्वास किया है कि वो लगाए जाएंगे, और जो ब्रिज की बात करें कि वहाँ पे कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह या शराबी लोग रहते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये बहुत अच्छा उनका एक मैसेज गया है पब्लिक में, स्पेशली डॉक्टर्स के बीच में, कि जो सब लोग को बहुत ज़्यादा भय या सब लोग बहुत डर गए थे जो कलकत्ता वाले इंसिडेंट से कि ऐसा कभी यहाँ पे कहीं और ना हो। देखिए आज जो है बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज में समस्त जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दून के स्टाफ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है उनके साथ हमने आज रक्षाबंधन मनाया। ये भाई का बहन के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है और एक वादा भी है कि भाई जो है हर हालत में अपनी बहन की रक्षा करेगा। और इन द लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स ऑल्सो हम लोगों ने ये कोशिश किया है, हालांकि राज्य सरकार जो है महिलाओं के सेफ्टी को लेकर ज़्यादा ही सुदृढ़ है और उसके ओर जो है ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन आने अभी जो इवेंट्स हुए हैं उसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो महिला की सुरक्षा है, चाहे वो कहीं जहाँ कहाँ भी काम कर रही हो, वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। और साथ साथ हम लोगों ने इंश्योर किया है, मैं हमारे सभी प्रिंसिपल साहिबानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हैसल फ्री उन्होंने इंश्योर करवाया है कि पेशेंट्स को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हमारी ओपीडी भी अच्छी चली है और जहाँ जहाँ कुछ छोटी छोटी मोटी बातें आई हैं हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूरा सहयोग किया है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने पूरा सहयोग किया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी पेशेंट्स आ भी रहे हैं अक्रॉस द स्टेट, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, और डॉक्टर्स को दिखा भी रहे हैं और अच्छे माहौल में ओपीडी आईपीडी सब चल रहा है।